फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है चैनल एक्सप्लोर में। जो मेरा पिछला व्लॉग देख के आए उनको पता लग गया होगा कि हम जंगेसू वाटरफॉल से आगे बढ़ रहे हैं कसौली की तरफ। और बहुत ही अच्छा रोड है यार, बहुत ही अच्छा मतलब घट है, मज़ा आएगा आपको। एकदम से ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है कसौली जाने के लिए। आज आपको दिखाएंगे कसौली मार्केट, पूरी फैमिली हमारे साथ है। पिछला व्लॉग जाके देख लें, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। और वैसे अगर कसौली घूमने आते हैं तो मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो क्या है कसौली में, आज आपको दिखाते हैं। तो बने रहे, आज वाले ब्लॉग में भी मज़ा आएगा। बाकी भाई पूरे ड्राइविंग का आनंद ले रहा है, अल्टिका अपने पास गाड़ी है, आज काफ़ी अच्छा साथ दे रही है, वो भी सीएनजी है। ये भाई को थोड़ी ब्रेकिंग कम लगती है लेकिन मुझे ठीक लगी थी भाई। हाँ भाई हुंडई चलाते हैं तो ब्रेक इसलिए थोड़ी सी कम लग रही है। मैं फिलहाल 3 महीने से मारुति चला रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रोड काफी बेहतरीन है, घुमावदार है, एडवेंचरस है, मजा आएगा आपको। चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर मात्र कसौली है, तो अगर किसी अच्छे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं और ज्यादा टाइम नहीं आपके पास तो कसौली आप एकमात्र विकल्प है। बहुत ही प्यारा, देख रहे हो आप मौसम, देख रहे हो हमेशा ऐसा ही मौसम मिलता है भाई। पिछले 3 महीने से यहाँ पर ऐसा ही मौसम है, पूरी धुंध फॉग मिलेगी आपको अच्छी खासी। बाकी चलो मार्केट में पहुंच के आपको फिर दिखाता हूँ। आप पावर लैग फील होता है कहीं कहीं क्योंकि सीएनजी पे चल रही है फिलहाल, अगर पेट्रोल पे होती तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन हाँ भाई के पास पेट्रोल है i20, तो उसके मुकाबले अगर कंपैरिजन करते हैं तो लैग फील होता है, फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ रहे हैं भाई को। एर्टिगा सीएनजी या फिर आरपीएम हाई रखो आप। हाँ वही है, छोटे गियर में चलानी पड़ रही है, मतलब आरपीएम रखो, रोड वैसा नहीं है ना, रोड साथ नहीं देगा। लेकिन काफी सुधार दिए गए तो आ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। व्यूज देखिए आप कैसे, ऊपर काफ़ी फोग है, आपको पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, ऊपर काफ़ी फोग है और यहीं से अभी फील होने लग गया है। कसौली सिटी में एंट्री मार गए हैं और मार्केट के लिए आपको एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ अभी। तो रिग्रेट नहीं होगा, यहाँ के एंजॉय करोगे आप। ये कोई सोच सकता सागवान भाई 50 किलोमीटर की दूरी पे चंडीगढ़ से आपको ऐसा मौसम मिलेगा, गर्मी में सर्दी का एहसास है। हाँ बिल्कुल, देखो तो लोग कैसे एंजॉय करते हैं यहाँ पर, ये देखिए रुक रुक के। तो यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, आप आते हैं ना जंगेसू की तरफ से, तो यहाँ से देखो एकदम एक्सट्रीम राइट है मार्केट की तरफ जाने के लिए। अरे गजब 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 ड्राइविंग सागवान, गजब ही है भाई। तो देखो जी यहाँ पर थोड़ा ना जाम मिल गया है, और देखो सीओ साहब आ गए, इनके पीछे नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे से भी आ रहा है कोई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स का ही बोलबाला है ना, इस तरह से जाती है भाई आर्मी की। वैसे लगा सकते हैं क्रेटा के पीछे, लगाना क्रेटा। ये जा रही है जी एक गाड़ी, इनसे अपना थोड़ा रिलेशन है डिफेंस के ना, तो हम भी इनके पीछे लगा लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने पहले परमिशन ले ली थी, कोई चेंज नहीं कर सकता अब कोई चेंज, क्योंकि हमने परमिशन ले ली थी। जी हेरिटेज मार्केट के काफ़ी करीब हैं हम, और अपनी गाड़ी इधर लगाएंगे और यहाँ से फिर मार्केट का रास्ता एक बार मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ, वैसे है पास में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। तो अपनी गाड़ी आ गई, काफ़ी आगे तक पहुँच गए बदौलत डिफेंस की बदौलत। अभी देखो ट्रैफिक बहुत जाम हो गया, ये लगे जी जाम, देखो एक साइड सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। आगे जाके देखते हैं, आप आएंगे तो ऐसी भीड़ भी लगी, या तो बहुत जल्दी आई सुबह,
9-10 बजे आ जाए तो काफ़ी मशक्क़त के बाद है ना पहुँच गए हेरिटेज मार्केट, और हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हुई है वो सागवान भाई की बदौलत, मेरी फैमिली अपने साथ। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार, नॉर्मली इतनी होती नहीं है, छुट्टी है ना 3 दिन की, तो उस वजह से ना सारे लोग इधर आ रहे हैं। ये है वो हेरिटेज मार्केट, छोटी सी मार्केट है। मोमोज बहुत फेमस है यहाँ पर, आपको शुरू में ना मोमोज दिखने लग जाएंगे, फास्ट फूड बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से स्टार्ट होती है हेरिटेज मार्केट। जब पिछली बार आया था ना मैं, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी थी यहाँ पर, ओके फिर गया, एक कदम पैदल नहीं चले थे। आज पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भीड़। छुट्टियाँ हैं ना भाई, छुट्टियों पे भी इतनी ज़्यादा। ये लो भाई, फ्राइडे की ले ली होगी लोगों ने, 4-5 दिन की छुट्टी। यहाँ से आके लाउट दिया 2500 रुपये का जुर्माना है, और अंग्रेजों के जमाने की है, अंग्रेजों ने लग बसाई थी, अंग्रेजों के जमाने में। मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, मोमोज हर जगह मोमोज मिलेंगे आपको। भीड़ देखो, अगर हेरिटेज मार्केट में आते हो तो मोमोज जरूर खाएं, लेकिन ये है नॉन वेज चिकन मोमो, चिकन मोमोज है ना, प्रोटीन रोटी लेते हैं हमें, जब ये भाई साहब बना रखे हैं, हम हैं घास फूस वाले दोनों भाई, है ना, प्योर वेजिटेरियन, एक ही चीज नॉन वेज पसंद है। चलो फिर बताओ, फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, आपसे शुरुआत करते हैं। आई एम एंजॉइंग, फॉग है, बेटर है, थोड़ा रेनी सीजन हो गया है तो और अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग। हाँ जी बेटा जी, बताओ कैसे लग रहा है? अच्छा। बस अच्छा, इतना मतलब डीप में आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक वर्ड में मजा नहीं आया, तो एक वर्ड में सारे वर्ड बोल दिए ना इसने, अच्छा लग रहा है, नाइस। मेरी वीडियो का दिखाने के बाद पहाड़ मेरे तो हमेशा ही फेवरेट रहे हैं, थोड़ा सा मौका मिल जाए तभी फोन जाता हूँ, एंजॉयिंग और कंपनी और भी ज़्यादा। सुरेश भाई, हाँ अभी देखो चौमिन होगी, हाँ चौमिन होगी, है ना, मोमोज हो गए, मोमोज हो गए, अभी यहाँ पर है ना वो समोसा, समोसा पाव, समोसा नहीं समोसा पाव, समोसा पाव क्या, अच्छा हाँ, तो वो बड़ा फेमस है, यप, तो वो खाएंगे थोड़ा ना, डन, फिर आगे बैठेंगे, यस, है ना, बाकी दोस्त लोग आएंगे वो भी यहाँ पर आ गई, ये चीज़ें तो खाई ले तो अच्छा लगेगा, यप, आना भरपूर हो जाएगा यहाँ पर, यप, पहुँचने वाले हैं हम। वो मुड़ के पहले यहाँ पर उतारा वो बीच में, अब वो लास्ट में चला गया, वो पास में ज़्यादा बड़ी मार्केट है नहीं। ये है जी चिंगम की दुकान, स्पेशल बन समोसा बोलते हैं, रक्स भाई बन समोसा, ये देखो बन समोसा, यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी आके खा रहे हैं, ये हमारे यहाँ के मैं बोलते हो, होता है समोसा पाव, समोसा पाव है, हाँ। मुंबई वाले बोलते हैं, तो अपने कर लो फिर ऑर्डर करो जल्दी से, ये बनते हैं दो बन समोसा, ये अंकल बनाते हैं, ये अंकल 120 कर दो आप, अंकल जी दो बन समोसा लीजिए लीजिए सर, दे रहे ये करते हैं स्पेशल, आके यहाँ होते ये खाना जरूरी है ना, मैंडेटरी होता है ये यहाँ आके खाना। हाँ जी जी, ठीक है, तो अभी खा के बताएंगे भाई टेस्ट कैसा है। बाकी जैसे आप हेरिटेज मार्केट आते हो तो हेरिटेज मार्केट में बिल्कुल लास्ट आ जाना, आपको दिख जाएगी सामने ही दुकान, टेस्ट अभी बताते हैं, मैं नहीं बताऊँगा, सुरेक्स भाई बताएँगे टेस्ट कैसा है। विल कंपेयर विद मुंबई, मुंबई समोसा पाव, समोसा पाव के साथ है ना, यस, अभी देखते हैं थोड़ी भीड़ में आ गए। कैसा टेस्ट है? एक बहुत अच्छा टेस्ट है, अलग तरह का टेस्ट है, समोसा पाव जैसा टेस्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है, अलग है ना, अलग। बाकी यहाँ आके पता मतलब फोन कैमरे बता नहीं सकते हम, है ना, कैसा टेस्ट है वो तो खा के ही पता चलेगा, खुद आके खाओगे तभी पता लगेगा। ठीक है भाई, सही लग रहा, मैं भी वैसे खाता नहीं समोसे लेकिन यहाँ आके मेरे को अच्छा लग रहा है। बारिश आ गई है भाई, थोड़े सब लोग सिमट के खड़े हो गए। नाउ लेडीज टर्न है, टेस्ट करके बताना बाबू जी कैसा है, अरे टेस्ट कर लो अच्छे से, फील ले लो फिर बताना, सच्चाई बताना, देखो दुनिया देख के आएगी इधर। तो जल्दी बताओ, देखो
दोस्त देख रहे हैं, भाभी बता रही है। ओके ज्यादा स्वाद नहीं है, मजा आ गया। टेस्ट अलग अलग है, मतलब भाई बात ये जैसे पहले बोल रहे थे, आके आप लोगों को खुद को टेस्ट करना पड़ेगा ना, दूसरे का टेस्ट का आप बता नहीं सकते। समोसा इसके अंदर स्टक है, खाली है। हाँ समोसा है, बन समोसा है। अच्छा है, हरा ना? हरा 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 हरा, टेस्ट आ रहा, टेस्ट आ रहा, थोड़ी देर में आता टेस्ट। हमेशा ऐसा ही होता है, जब चाय भी खत्म होने वाली होती है ना, तब टेस्ट आता है उसका। आगे आगे आगे। तो ये थी जी कसौली की मार्केट, कसौली की हेरिटेज मार्केट, एकमात्र मार्केट है पीछे दिख रहा हूँ आपको। तो मस्ट विजिट प्लेस है कसौली का, और मेरे को लगता है एकमात्र यही प्लेस प्लेस है जो आप घूम सकते हो। और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं कसौली में, वादियाँ हैं, होटल में रुकें शीशे वाले किसी होटल में और वादियों का आनंद लें। बाकी सनसेट पॉइंट है और मंकी पॉइंट, हाँ मंकी पॉइंट वो सबसे फेमस है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जरूर जाएं, काफ़ी ऊंचाई पे है वो, और वो सुना है कि एयरफोर्स के अंदर है। और सनराइज पॉइंट आप अपने होटल में भी देख सकते हैं अगर आप अच्छे से ले लेंगे। सनसेट पॉइंट कहाँ भाई बता दें? सनसेट पॉइंट यहाँ पर दो तीन जगह है, बाकी आपको एयरफोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। कसौली मंकी पॉइंट जो बोलते हैं, वो यहाँ से नीचे उतरोगे राइट साइड में, हाँ यहाँ से, हाँ राइट साइड। तो बता दिया भाई आपने एक मस्ट विजिट प्लेस ऑफ कसौली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली साधु पुल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको साधु पुल देखने को मिलेगा। ठीक है सागर भाई, बाय बाय।